नमस्कार, मूव मीडिया में आपका स्वागत है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण कई बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज़ को टाल दिया गया। जब हालात बेहतर होने लगे और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज़ करने का फैसला किया तो देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। इससे प्रोड्यूसर्स को सिनेमा हॉल में अपनी फिल्मों की रिलीज डेट दोबारा टालने पर मजबूर होना पड़ा है। आइए देखते हैं ऐसी 5 फिल्में जो रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थी पर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इन फिल्मों की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला लेना पड़ा। शुरुआत करते हैं फिल्म चेहरे से। 31 मार्च को चेहरे के प्रोड्यूसर्स ने घोषणा की कि देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को मद्देनज़र रखते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट अभी तक तय नहीं की है। इससे पहले चेहरे 9 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। आपको बता दें, फिल्म चेहरे में पहली बार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इसके साथ रिया चक्रवर्ती भी फिल्म में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। अब बात करते हैं बंटी और बबली 2 की। रानी मुखर्जी के फैंस 23 अप्रैल को बंटी और बबली 2 की रिलीज के लिए काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी क्योंकि फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने कोविड-19 की बढ़ती संख्या के कारण इसकी रिलीज़ की तारीख को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि यशराज फिल्म्स ने नई रिलीज़ की तारीख की घोषणा अब तक नहीं की है। वरुण शर्मा द्वारा निर्देशित बंटी और बबली 2 में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और डेब्यूटांट शौर्वरी मुख्य भूमिका में हैं। आइए अब बात करते हैं हाथी मेरे साथी की। राणा दग्गुबती की फिल्म हाथी मेरे साथी के तमिल और तेलुगु संस्करण कादन और अरण्य 26 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुके हैं। वहीं हिंदी संस्करण को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म को पोस्टपोन करने का कारण कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या है। इस लिस्ट में 4th फिल्म है सूर्यवंशी। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो गई है। सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर्स ने घोषणा की है कि फिल्म की रिलीज डेट को फिर से आगे बढ़ाया गया है और फिल्म 30 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में उछाल के कारण रिलीज नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्यवंशी मार्च 2020 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडमिक की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई। कोविड केसेस कम होने के बाद फिल्म को 30 अप्रैल 2021 को रिलीज़ करने का तय किया गया, लेकिन अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने सूर्यवंशी की रिलीज डेट पर फिर से अपना ग्रहण लगा दिया है। हालांकि सोर्सेस की माने तो अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं थलाइवी की। कंगना रनौत स्टारर थलाइवी को अप्रैल में रिलीज के लिए स्लेट किया गया था। बाद में कई राज्यों में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के कारण इसका प्रीमियर रोक दिया गया है। अभिनेत्री और राजनेता जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म 23 अप्रैल को स्क्रीन पर हिट होनी थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा अब तक नहीं की है। एंटरटेनमेंट की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.